गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार पीबीआर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज कुछ लिखना नहीं है, एक बात पहले ध्यान देना, आज आपकी थ्योरी की क्लास है। जी बिल्कुल, आज इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी हम हल नहीं करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आज थ्योरी की क्लास है और बातों को समझना है। अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा, अगर आप समाचार देखते हैं, थोड़ा एक्टिव हैं तो वैसे तो अपने देश का आओ हवा जो है बहुत ख़राब चल रही है, माहौल बहुत ख़राब चल रहा है ना। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी, आता है ना कि आज सेंसेक्स इतना डिग्री बढ़ गया, निफ्टी इतना घट गया। कुछ कंपनियों के बारे में आता है कि इसके शेयर जो है बहुत ज़्यादा खरीदे गए, और कभी कभी आपने सुना होगा कि शेयर बाज़ार का मूल्य काफ़ी गिर गया, जिससे कंपनियों में काफ़ी मायूसी छा गई। ऐसे ऐसे न्यूज आता है कुछ ना, शेयर बाज़ार आपने सुना है ना, न्यूज़पेपर में भी देखिए, जो बिजनेस वाला एक पेज होता है उसमें भी शेयर के बारे में कुछ दिया होता है कि शेयरों के रेट बढ़ गए या घट गए। ये होते क्या हैं शेयर, इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स BTC यानी कि DLED के थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए तो समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्लास को छोड़ना मत, गौर से समझना। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें एक फैक्ट्री लगाना है, और चलिए उसमें फैक्ट्री में हम लोग क्या बनाएंगे, मान लेते हैं कि मोबाइल बनाएंगे, है ना। लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और एक एक इंसान के पास आजकल दो दो तीन तीन मोबाइल हो रहे हैं, है ना, क्योंकि दूरियों को नज़दीकियों में बदलने का काम मोबाइल करते हैं। तो मानते हैं कि हम एक मोबाइल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, और उस फैक्ट्री के लिए क्या है भाई, फैक्ट्री लगाएंगे, बहुत कुछ लगेगा उसमें। तो मान लीजिए कि उसमें क्या लगने वाला है, 2 करोड़ रुपया लगने वाला है। हाँ जी, करना है तो अच्छे से करना है ना, तो 2 करोड़ रुपया कम से कम लगने वाला है। अब दादा की कमाई है तो रखी हो भाई, पहले ज़माना की 2 करोड़ ऐसे तो कहीं मिलने वाला है नहीं, है ना। तो वो 2 करोड़ आएगा कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल ये है ना। तो ध्यान से समझना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 करोड़ रुपया जो है इसको कहाँ से जुआएंगे, इसको हम बोलेंगे चलो भैया आप जी आप भी दे दो 1,000, 2,000 फलाने आप दे दो, 3,000 आप दे दो, और आप लोगों की क्या होगी उसमें हिस्सेदारी होगी जो कंपनी हम लोग बना रहे हैं। मतलब बात समझ रहे हो ना, ठीक। इस तरह से सब लोग कहेंगे चलो अच्छा है, ये कम से कम कुछ काम तो कर रहा है, तो चलिए हम भी लगा देते हैं थोड़ी अपनी पूंजी, है ना। तो मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था, 2 करोड़ का मतलब आप जानते हो 200 लाख, है ना, यही तो होता है ना, 2 करोड़ का मतलब 200 लाख। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने क्या किया, 200 लोगों को इकट्ठा कर लिया, कितने लोगों को, 200 लोगों को, और सभी लोगों ने पैसे दिए, इस तरह से हम लोगों ने मिला करके 2 करोड़ इकट्ठा कर लिए। मतलब समझना शेयर क्या होता है, अभी समझ जाओगे इसमें। तो क्या होता है, कंपनी तो बन गई, ये फैक्ट्री चल गई, कौन सी, अपनी मोबाइल वाली, है ना। लेकिन जो ये 200 लोगों ने इसमें पैसा दिया, ये क्या बेवकूफ़ हैं, काहे दिए हैं, ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने शेयर दिया है, क्या किया है, शेयर दिया, मतलब एक प्रकार से शेयर खरीदा है। बात समझ रहे हो ना, जैसे कि मान लेते हैं हमने पीवीआर स्टडी नाम से कंपनी बनाया, और उसमें से 200 लोगों ने एक एग्जांपल मानिए 1,000-1,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, 1,000-1,000 रुपये दिए हैं। तो अब जो 1,000-1,000 रुपये इन 200 लोगों ने दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीवीआर स्टडी का शेयर खरीदा है। बात समझ में आई ना, तो यही बात होती है शेयर, यही चीज़ है, इसको किताबी परिभाषा आपको बता दें तो किताब में कुछ ऐसे ही दिया है कि जब कोई व्यक्ति, कोई व्यापार या उद्योग करने के लिए स्वयं से धन नहीं जुटा पाता है, मतलब स्वयं से वो पूंजी नहीं लगा पाता है, तो वह एक समूह बनाकर, क्या करके, एक समूह यानी कि ग्रुप बनाकर एक कंपनी की स्थापना करता है, और उस कंपनी को पंजीकृत करा लेता है, मतलब अपने यहाँ के गवर्नमेंट से उसको रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जिससे कि लीगली मान्य हो जाए, नहीं तो बाद में फ्रॉड उसको घोषित कर दिया जाएगा, फिर सब कुछ जब्त हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, कंपनी बनाएगा वो समूह बना करके, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, और इस प्रकार की कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त करेगी, और शेयर जारी करके पूंजी उसकी पूरा हो जाएगी। बात समझ में आई ना।
आप देखते होंगे जिस कंपनी के ज़्यादा शेयर बिकते हैं उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन शेयर बिकेंगे किसके पता है आपको? जिससे उम्मीद होगी कुछ मिलेगा उसी के शेयर लोग खरीदेंगे, है ना? ऐसे लोग शेयर नहीं खरीदते, सबसे हर एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे लोग, लोग वहीं लगाएंगे जहाँ से कुछ उम्मीद होगी। कहते ना कि शेयर बाजार में पैसा लगाया है ज़्यादा भी मिल जाता है कम भी मिल जाता है, तो ये शेयर बाजार का भी एक खेल होता है। इसमें आप पैसा आप भी लगा सकते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में, अगर उस कंपनी का मुनाफा होगा तो आपका भी फायदा होगा, घाटा होगा तो आपका भी होगा। फिलहाल इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो था हमने बताया, अब इसके आगे आपके में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक ना? अब आगे समझना, जो कंपनी में आपने या हमने धन लगाया वो क्या है? कंपनी में लगाया गया धन उसकी पूंजी कहलाता है। पूंजी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक? पूंजी को प्रायः सामान्य मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं, मतलब जितने लोग रहते हैं उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा, हमने तो 2 करोड़ बता दिया था, मान लो कि हमने 20,000 रुपये का क्या बनाया, मतलब 20,000 रुपये लगाया कंपनी में, एक छोटी कंपनी बनाया, तो 20,000 लोगों में से अगर मान लो कि 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो कितने कितने का खरीदे होंगे 10 लोगों ने? भाई कितने कितने का खरीदे होंगे 10 लोगों ने? 1,000 1,000 रुपये का खरीदेंगे, कितने का खरीदेंगे? 2 2 हज़ार का, 2 2 हज़ार का अगर 10 लोगों ने खरीदा होगा तो इस तरह से 20,000 हो जाएगा। तो जो 2 2 हज़ार का शेयर 10 लोगों ने खरीदा है, इन लोगों ने क्या किया? शेयर खरीदा है, और बराबर बराबर इसलिए कर दिया गया जिससे कि इनका पूंजी बराबर रहे, कि भाई हमने भी 2,000 दिया है, अगला भी 2,000 दिया है, फलानवा डकनवा सब 2 2 हज़ार दिए हैं। बात समझ में आई ना? तो यही होता है शेयर। इसके बारे में अगर बात करें आगे, देखना शेयरों की खरीद और बिक्री, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, यदि कंपनी को जनता से 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना है तो वह गणना की दृष्टि से 10 10 रुपए के शेयरों में बांट लेती है। इस प्रकार इसके 10 लाख शेयर हो जाते हैं। वही एग्जाम्पल बताया गया जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, एक बात इसमें और भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, अंशधारी किसे कहते हैं, या फिर अंशधारी क्या होता है? साथियों, इसी में से आपके हो सकता परीक्षा में आ जाए कि अंशधारी, देखिए अंश मतलब, एक तो अंशहार वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे मैथ में, यहाँ पर अंश का मतलब एक हिस्सा से है जैसे, ठीक ना? शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। आपकी परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि अंशधारी किसे कहते हैं, या फिर शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो व्यक्ति शेयर खरीद रहा है, जैसे इसमें 10 लोगों ने मैंने बताया खरीदा था, तो वो क्या कहलाएंगे? शेयरधारी या अंशधारी कहलाएंगे। उनका भी कंपनी में भरपूर सहयोग होगा। बात समझ रहे ना? जैसे पीबीआर स्टडी को आपने ज्वाइन किया, आपने पेमेंट करके क्लास को ज्वाइन किया, तो आप पीबीआर स्टडी के क्या हैं? आप इसके परिवार के एक सदस्य हैं, एक हिस्सा है इसमें का, है ना? बात समझ रहे ना? तो वैसे जो लोग इस शेयर को खरीदते हैं वो अंशधारी या शेयरधारी कहलाते हैं। तो अगर कंपनी को कोई लाभ होता है तो उनको भी होता है। अब आप कहोगे कि भाई हम पीबीआर स्टडी के हिस्सा हैं तो हमें क्या मिल रहा है? आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको लाभ मिल रहा है ना कि नहीं मिल रहा है? अगर पीबीआर स्टडी अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा सिस्टम आपके लिए उपलब्ध होगा, तो आपका भी फायदा होगा। बात समझ रहे ना? अगर गड़बड़ हो जाएगा, क्वालिटी और ख़राब हो जाएगी, तो क्या होगा? आपका भी नुकसान होगा। तो बस वही बातें हैं। आगे, जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे सम मूल्य या अंकित मूल्य या फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं। नोट कर लेना जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा वीडियो पीछे करके या रोक रोक करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर सब छाप दें, ठीक ना? मतलब समझिए और लिख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। फेस वैल्यू या पार वैल्यू या अंकित मूल्य या सम मूल्य क्या होता है, एक बार फिर से सुन लो। जिस मूल्य पर एक कंपनी द्वारा शेयर जारी किया जाता है, जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, ये थोड़ा फीदा लग रहा है, जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है वो अंकित मूल्य, फेस वैल्यू या पार वैल्यू या फिर क्या कहेंगे,
अंकित मूल्य वही प्रिंट प्राइस कहलाता है। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक कंपनी नई योजना के लिए 50 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या बताइए। चलो जल्दी से बताओ कितने शेयर जारी करेगी कंपनी। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, कंपनी को कितने रुपए चाहिए, कंपनी को कितने रुपए चाहिए। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप लोग इसका आंसर दोगे, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। इधर समझने की कोशिश करना मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या कहा, फिर से सुन लो। एक कंपनी नई योजना के लिए 50 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया है, और उसे कितना करना है 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, कितना करना है 50 लाख। अब मतलब समझना, तो कह रहा फिर कंपनी कितने शेयर जारी करेगी। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक शेयर 100 रुपये का जारी हो रहा है और टोटल 50 लाख रुपया इकट्ठा करना है, तो ये बताओ 100 100 रुपया की कितनी नोट इकट्ठा करें कि 50 लाख हो जाए। उसके लिए सीधा सा तरीका है, सीधा सा फंडा, आप इसको भाग दे दो। ये देखो 2 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 हजार। 5 हजार तो बचेगा नहीं, कुछ और बचेगा, 5 हजार ना बचेगा जी, 50 हजार बचेगा। कितना बचेगा 50 हजार, यानी कि वो कंपनी जो 50 लाख रुपया इकट्ठा करना चाहती है, अगर वो एक शेयर अपना 100 रुपये में बेचेगी तो उसे 50 हजार शेयर बेचने होंगे। बात समझ में आई ना, आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। कितने शेयर जारी करेगी 50 हजार। देखो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कहो तो कुल पूंजी जो एकत्रित करनी है, पहले ऐसे लिखोगे। देखो मैं लीगली तरीका बता देता हूँ जैसे आपको करना है एग्जाम में, हो सकता है कि यही सवाल आपके परीक्षा में आ जाए तो क्या करोगे। देखिए ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं आता है, बस बातों को सीख लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए कैसे इसको करेंगे, एक बार सवाल आप वीडियो को पीछे करके सुन लेना, ठीक ना। सवाल हमने 2 बार पढ़ा है, तीसरी बार नहीं पढ़ूंगा। अब लिखिए, कुल पूंजी जो एकत्रित करनी है, कितनी करनी है 50 लाख रुपया। आगे देखना, एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया, कितना रुपया 100 रुपया। क्या निकालना है, जारी किए गए शेयरों की संख्या, यहाँ पर लिखो माना जारी शेयरों की संख्या इक्वल एन है, कितना है एन है, ठीक। अब क्या करोगे, बस सिंपल सी बात है, आ गया भाई, जारी शेयरों की संख्या एन है, अतः एन इंटू कितने से गुणा करोगे, जितने शेयर जारी हुए हैं 100, और इक्वल ये 50 लाख। 50 लाख मतलब 5 0 लगा दोगे तो एन बराबर हो जाएगा वही 50 लाख। ये 100 कर दोगे, 2 0 कट जाएगा, तो एन बराबर आपका आ जाएगा कितना 50 हजार। बात समझ में आई ना, तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, ये बन गया 50 हजार, ठीक ना। पूरा बात क्लियर है ना, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, अब हम बात करेंगे दूसरा नंबर। पहला तो ये हो गया शेयर और लाभांश, सब हो गया। साथियों अब बात करेंगे शेयरों की खरीद और बिक्री की। शेयर की खरीद और बिक्री की, शेयर मतलब वो लायन बब्बर शेर नहीं, शेयर का मतलब आप समझ चुके हो, है ना। चलिए, अन्य वस्तुओं की भांति शेयरों को भी खुले बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। खुले बाजार मतलब जिन्हें एक्सचेंज कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सचेंज। आपने सुना होगा
एक्सचेंज रेट बढ़ गया घट गया ऐसा कुछ सुनते हो कि नहीं? अरे जी मिस्टर, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, कभी कभी न्यूज़ वगैरह भी सुन लिया करें, है ना? कभी कभी समाचार सुन लिया करें, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, ये ज़रूरी होता है। दुनिया भी देखिए क्या हो रहा है बगल में, है ना? तो आप आज से ही न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, चाहे मोबाइल में जब तक कॉमेडी और प्यार भरा और दुख भरा गाना सुनते हैं ना, तब तक आप न्यूज़ भी देख लिया करिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, है ना? वहाँ से बहुत कुछ मिलता जानकारी। चलिए, शेयरों की खरीद और बिक्री, इस पे क्या देखेंगे? अन्य वस्तुओं की भांति शेयरों को भी खुले बाजारों में बेचा जाता है और खरीदा जा सकता है, जिन्हें एक्सचेंज कहते हैं। बाजारों को क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे बाजार मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार मूल्य। देखिए, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, ये शेयर वाले पार्ट से, बाजार मूल्य किसे कहते हैं? तो याद रखना, बाजार मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे बाजार मूल्य कहते हैं। एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक्सचेंज जैसे कहते हैं ना, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब बाजार का रेट। ठीक, आगे अगर बात करें तो एक है अधिमूल्य से ऊपर या अधिमूल्य पर। आगे क्या है? अधिमूल्य, जिस मूल्य पर ये तो हो गया वस्तु खरीदा बेचा जाता है। आगे क्या कह रहा है कि जब शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तब हम शेयर कहते हैं कि शेयर अंकित मूल्य से ऊपर या अधमूल्य पर है। क्या हो? शेयर का बाजार मूल्य, देखना, शेयर का बाजार मूल्य क्या है? उसके अंकित मूल्य से अधिक है। ध्यान से देखना, शेयर का बाजार मूल्य जो है वो ग्रेटर देन अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब प्रिंट प्राइस, उससे ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि शेयर अंकित मूल्य से ऊपर या अधमूल्य पर है। यदि बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम है तो हम क्या कहेंगे? यदि इसका उल्टा हो जाए, बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम हो जाए, ठीक ना, मतलब अंकित मूल्य बढ़ जाए, तब क्या कहेंगे? तब कहते हैं कि शेयर अंकित मूल्य से नीचे है या बट्टे पर है। क्या कहेंगे? जब ये शेयर का क्या है, यहाँ ध्यान से देखना, शेयर का बाजार मूल्य कम हो जाए और अंकित मूल्य बढ़ जाए, तब क्या कहते हैं? कहते हैं कि शेयर बट्टे पर है या फिर नीचे है, ठीक है, अंकित मूल्य से नीचे है। आगे देखना, यदि शेयर का मूल्य अंकित मूल्य के बराबर हो जाए तो कहते हैं कि शेयर अंकित मूल्य पर है। जैसे शेयर का मूल्य और अंकित मूल्य दोनों बराबर हो जाए तो कहेंगे शेयर किस पे है? अंकित मूल्य पर है। उदाहरण के लिए, यदि शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है और बाजार मूल्य 108 रुपये है तो शेयर अंकित मूल्य के ऊपर कहा जाएगा। किंतु यदि शेयर का बाजार मूल्य 60 रुपये है तो शेयर अंकित मूल्य के नीचे कहा जाएगा। बात समझ में आई ना? आई समझ में कि नहीं? फिर से एक बार सुन लो उदाहरण। यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य 100 रुपये और उसका अंकित मूल्य जो है वो क्या है, अरे यार लिख देता हूँ, शेयर का क्या है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपया और इसका बाजार मूल्य, बाजार मूल्य 108 रुपया है, मतलब यहाँ देख रहे होगे 8 रुपये ज़्यादा है ना, तो क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में कहेंगे कि शेयर अंकित मूल्य के ऊपर है या अधमूल्य पर है, ठीक ना? लेकिन अगर ये अंकित मूल्य जो है 100 रुपया होता है और ये बाजार मूल्य 108 नहीं मात्र 60 रुपया हो जाए, कितना हो जाए? 60 रुपया हो जाए, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे शेयर बट्टे पर है। किस पर है? बट्टे पर है। अब अगला हेडिंग देखेंगे, लाभ और लाभांश का वितरण। क्या है? लाभ और लाभांश का वितरण, सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए। और हमारी बातों को अगर एक तरफ से सुनेंगे तो आप लिख भी सकते हैं
और इसे समझ भी सकते हैं। जहाँ तक उन स्टूडेंट का सवाल है जो पेमेंट करके क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, तो उन्हें कंप्लीट कोर्स एक तरफ से मिल रहा है, तो वो आराम आराम से देखें एक तरफ से, बिल्कुल हैरान और परेशान ना हो, ठीक ना। अगर उनकी क्लास गायब भी हो जाती बीच में, तो उनको फिर से भेज दिया जाएगा। अब बात करेंगे लाभ और लाभांश का वितरण। देखिए, लाभ और लाभांश क्या होता है? जब कंपनी को वर्ष के अंत में लाभ होता है, क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब कंपनी को वर्ष के अंत में लाभ होता है, यानी कंपनी प्रॉफिट में जाती है, तो लाभ का कुछ भाग नई मशीन खरीदने या टैक्स देने में आरक्षित कर दिया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, आप कोई भी कंपनी देखेंगे, कोई भी चैनल देखेंगे, इंस्टीट्यूट देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, तो आप सोचेंगे यार बहुत लूट रहा है, मार छाप रहा है, सोचते हैं ना ऐसे। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसका जो सिस्टम है, उसका भी खर्चा लगता है। बात समझ में आई ना? ठीक ना। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लीजिए आप पीवीआर स्टडी का, क्योंकि यहाँ पर ये एक एग्जांपल अच्छा है। तो आप लोग सोचते होंगे कि भाई हम लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, हजारों लोग हर दिन पेमेंट करते हैं, तब तो 12 रुपए रुपए छाप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्या लगता है आपको पता है? देखिए, जो डेली रेगुलर लगता है, वाईफाई का बिल नंबर, दूसरा आपके जो असिस्टेंट लोग वर्क करते हैं, चाहे वो आपको क्लास शेयर करना हुआ या आपका फ़ोन कॉल या मैसेज या जो भी ईमेल का रिप्लाई या फिर कमेंट का रिप्लाई, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इन लोग का। दूसरा नंबर यहाँ पर जो लोग होते हैं उनका ईटिंग, खाना पीना, जो भी चीज़ें होती हैं, दूसरा नंबर। और अगला अगर बात करें आपके टाइपिंग मास्टर जो भी हैं, जो आपका मटेरियल टाइप करते हैं, पीडीएफ फाइल वगैरह आपको मिलता है, तीसरा नंबर जो आपका क्लास के बारे में, जैसे कि टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह लगता है, कौन सी क्लास प्लेलिस्ट में किस में है, किस में नहीं है, कहाँ तक चला है, कहाँ तक नहीं चला है, बहुत सारी बातें होती हैं। और उसके अलावा जो एक दो लोग टीचर लोग हैं, दो तीन लोग जो भी हैं, सबको मिला करके इसमें भी हर महीने लगता रहता है ना। इसके साथ साथ जो ये वायर लिए आप देख रहे होंगे, माइक्रोफोन ख़राब हो गया, हमने ईयरफोन लिया है गाना सुनने वाला, ये फिर से हमने ऑर्डर किया आपकी बोया का मंगाया, ओरिजिनल वाला अच्छा वाला, तो ये सब ऐसे बदलता रहता है हर महीने। मतलब अभी मान लीजिए मैंने माइक्रोफोन मंगाया, अभी 1 महीना चला था मुश्किल से, फिर ख़राब हो गया, फिर मंगाएंगे, तब तक जो कैमरा से चल रहा है कैमरा गड़बड़ हो जाएगा, अभी इसके पहले मोबाइल मंगाया था। तो ये सब लगता रहता है, कोई भी कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो, वहाँ पर खर्चे लगते रहते हैं और बनते रहते हैं। बात समझ में आई ना? तो एक प्रकार से ये समझिए कि जो पीवीआर स्टडी का प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से पहले इसको निकाल दिया जाएगा, ये सब खर्चा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो बचेगा फिर आप जानते हैं कि जो इसमें अपना शेयर लगाया होगा, मतलब पूंजी लगाया होगा, यानी जो हिस्सेदार होगा, फिर उन लोगों को मिलेगा। इतना बात समझ में आई ना? तो ये होता है लाभ और लाभांश। आगे देखिए, पहले जो हम पढ़ रहे थे, लाभ और लाभांश को किताबी भाषा में बता दें, जो किताब में लिखा है। जब कंपनी को वर्ष के अंत में लाभ होता है, तो उसमें से कुछ भाग नई मशीन खरीदने, टैक्स देने यानी कि जीएसटी के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, मतलब रिजर्व कर दिया जाता है। बाकी शेष लाभ को शेयरधारियों को उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों के अनुपात में बांट दिया जाता है। इस लाभ को ही लाभांश कहा जाता है। लाभांश हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यह लाभांश प्रति शेयर की दर या प्रतिशत के दर से वितरित किया जाता है। जैसे जिसका शेयर ज़्यादा होता है, एक प्रकार से उसको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वैसे लगभग शेयर भी एक सामान्य मूल्य के ही जारी किए जाते हैं, तो भाई सभी को सामान्य सामान लाभ भी उतना ही मिलेगा। जैसे यदि लाभांश 10 रुपये प्रति शेयर की दर से 100 शेयर के अंशधारी को दिया जाए, तो उसे 1,000 रुपये का क्या होगा? क्या होगा? 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, है ना? 25% लाभ का अर्थ है 100 रुपये के अंशधारी को 25 रुपये का लाभांश मिलेगा, ठीक ना। अगर किसी को 25% मिल रहा है, मतलब क्या है 25% का? मतलब 100 में से उसको कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। बात समझ में आ रही ना? ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, एक बार नहीं आएगा फिर से देख लेना, ठीक ना। तो साथियों, अगला है दलाल और दलाली। जी हाँ, दलाल नाम से आप काफी परिचित होंगे,
एक दलाल अगर देखना है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले हम गए थे सुल्तानपुर आरटीओ, आरटीओ ऑफिस आप जानते हैं ना, जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनते हैं। सरकार कभी नहीं चाहती कि आप सुखी रहो, चाहे कोई भी सरकार हो, गाली दे लो चाहे जिसको जितना भी, कोई सरकार हो, किसी की भी हो, वो जो मुख्य प्रॉब्लम है उसको दूर नहीं करेंगे। वो अगर उसको दूर कर देंगे तो बचेगा क्या फिर? जैसे अभी देखिए, चालान बहुत महंगे महंगे कट रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है चालान के लिए, है ना? 50,000 की बाइक है तो उसके 75,000 के चालान कट रहे हैं। लेकिन अगर यही सरकार 75,000 का चालान ना काट करके, और वहाँ पर रोड पर जहाँ पर चेकिंग लगती है, सभी को ज़रूरी सामान मुहैया कराए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, जो भी कागजात वगैरह नहीं है उनको हाईटेक करे जल्दी से, ऑनलाइन की तुरंत बने, जल्दी जल्दी फटाफट काम हो, देखिए ये मुसीबत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ये मुसीबत दूर हो जाएगी तो सरकार का राजस्व कैसे बढ़ेगा? बात समझ रहे ना? इसलिए अगर आपको दलाली के बारे में देखना है तो आप सुल्तानपुर आरटीओ ऑफिस चले जाइए। जैसे आप गेट के पास पहुंचेंगे, आपको चार लोग पकड़ने पहुंच जाएंगे तुरंत। हाँ भैया, सर, मैडम, आपको लाइसेंस बनवाना है, बताइए हम हेल्प कर दें, बताइए हम हेल्प कर दें। बात समझ रहे ना? हेल्प में क्या करेंगे? फिर आपसे जानकारी जुटाएंगे, क्या चाहिए आपको, किस गाड़ी के लिए चाहिए, कैसे कैसे, क्या क्या, सब जानकारी लेंगे। उसके बाद क्या होगा पता है? अभी तक जो पुराना रूल था, नया तो मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ बदला हुआ है शायद, उसमें 250 रुपया फीस लगती थी। अगर आप लर्निंग लाइसेंस शुरू शुरू में बनवाएंगे टू व्हीलर वाला, तो टू व्हीलर फोर व्हीलर वैसे तो एकम बनता था फिलहाल, लेकिन अब अलग हो गया है, तो 250 रुपये का ही फीस लगता है, बाकी उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। 50 रुपये वहाँ अंदर में लगता है शायद, मतलब वो जमा करते समय ऐसा कुछ होता है, बस इतने का ही खर्चा होता है, लगभग 250-300 का। ये मैं आपको पुराने सिस्टम के आधार पर बता रहा हूँ, अगर अभी 2-3-4 महीना में कुछ नया बदला हो तो नहीं मालूम। तो ये लोग क्या करेंगे, आपसे 300 के बदले कितना रुपया लेंगे? कम से कम 700 रुपया या 1,000 रुपया लेंगे, ठीक ना? मतलब समझना, मैं पढ़ा रहा हूँ दलाल और दलाली, ये फर्जी नहीं बता रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो आपसे 700 ही मान लेते हैं चलो, मतलब 300 की जगह पे आपसे कितना लेंगे, 700 रुपया लेंगे। तो जो 400 रुपया फोकट का गया वो कहाँ गया? उसी को कहते हैं दलाली। बात समझ में आई ना? उसे क्या कहते हैं? दलाली कहते हैं। और दलाल कौन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है ना, वो भी एक प्रकार से क्या है, दलाल और दलाली में आता है। अब आगे देखिए, देखिए साथियों, ये दलाल और दलाली हम लोग पढ़ते लिखते हैं, कोई फर्जी नहीं एक प्रकार से, हमारे समझ से तो सभी वैध है इंडिया में। हाँ बिल्कुल वैध भी, अगर ना वैध होता तो पूरा ऑफिस के जो भी वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं सब जानते हैं, वहीं पर भीड़ लगाए रहते हैं, कोई नहीं मना करता कभी, मतलब ये एक प्रकार से भारत सरकार द्वारा वहाँ पर बैठाए जाते हैं लगता है ना? चलिए अब टॉपिक वाला देखते हैं, दलाल और दलाली बुक में क्या है। शेयर के बारे में बात करें, शेयर ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे या बेचे जाते हैं जिनको शेयर बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है। बस वही दलाल, मतलब जान गए ना, जैसे आप नए नए हैं, आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, या कोई एक मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और आपको उस गाड़ी के बारे में कुछ पता है नहीं, तो क्या करेंगे आप? सोचेंगे कोई ऐसा बंदा या बंदी मिल जाए जिसको इसके बारे में सब कुछ पता हो, है ना? तो आप खोजेंगे, तो वही दलाल होते हैं जो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं और आपको जानकारी देंगे, फिर आपसे दलाली लेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, ठीक ना? जैसे ये मैंने फार्म वाला बताया था आरटीओ, उसका लाइसेंस वाला, तो उसमें वो दलाल साहब जो आपसे पैसा लेंगे वो आपको सब कुछ बताएंगे, लिफाफा वहाँ मिलेगा भाई, गम चिपकाने वाला वहाँ बगल से ले लो, पेंसिल वहाँ मिलेगी, फार्म ऐसे ऐसे भरना है, समझ रहे हो ना, फिर इसको वहाँ जमा करना, वहाँ साहब से प्रूफ करवाना, वहाँ दस्तखत करवाना, वो सब बताएंगे बैठ के, इसीलिए लेते हैं दलाली वाला काम। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ तो शेयर पे चलते हैं, शेयर में भी कुछ ऐसा ही होता है, उन्हीं लोगों द्वारा बेचे या खरीदे जाते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, इसके बारे में जानकारी होती है। इन व्यक्तियों को शेयर दलाल या ब्रोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोकर, ब्रेकर नहीं, ब्रोकर, ठीक ना? दलाल लोग अपनी सेवाओं के लिए शेयर बेचने और खरीदने वालों से कुछ कमीशन या फीस लेते हैं। दलालों द्वारा लिए गए कमीशन को दलाली कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं? दलाली कहते हैं। जो दलाल कमीशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको दलाली बोलते हैं, ठीक? कुछ बात पल्ले पड़ रही, दिमाग में घुस रहा कि नहीं?
आगे सुनना। दलाली को शेयर बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? दलाली को शेयर के बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब जो भी शेयर खरीदेगा उसे दलाली जोड़ के देना ही पड़ेगा, तो एक प्रकार से वो क्या होता है, दलाली उसी में जुड़ जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लाइसेंस बनवाने गए हो, लर्निंग वाला आपने बनवाया, लीगल तरीके से वहाँ पर आपको मात्र 300 रुपये ही देना था। कितना देना था? 300 ही देना था। लेकिन आप दलाली मिला के 700 रुपये दे के आए हो। अगर आपका अगला मित्र पूछेगा भाई कितना लगा, तो आप बताओगे 700 रुपये लगा। यानी कि वो ये तो ना समझेगा कि दलाली लगा, लेकिन वो समझेगा कि हाँ भाई लाइसेंस बनवाना है तो 700 लगेगा। बात समझ रहे हो ना? यानी कि वो भी क्या जाएगा, लाइसेंस वाले पर ही जोड़ा जाएगा। तो उसी तरह से ये भी होता है साथियों। इसमें एक अंतिम एक है, क्या है? ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होता है इसको भी समझ लेना। ऋण पत्र क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कंपनियों द्वारा अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए शेयर के स्थान पर ऋण पत्र यानी कि डिबेंचरस जारी करते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये ऋण पत्र आम जनता से, जिसमें शेयरधारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। मतलब कि उधार ले लेते हैं ये किससे, जो शेयर खरीदने वाले लोग होते हैं उनसे, और भी आम जनता से क्या करते हैं ये कंपनियां, उधार लेती हैं एक प्रकार से, है ना। ऋण प्राप्त करने के लिए जारी किए जाते हैं। कंपनियां निश्चित अवधि के लिए ऋण लेती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपनी बनाया, तो एक तो हो गया कि आपसे हमने शेयर लिया, दूसरा क्या हो गया कि हम आपसे कर्जा ले लिए। मान लेते हैं लोग देखो बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, है ना। तो कुछ वैसे ही होता है ये ऋण पत्र भी। कंपनियां कुछ निश्चित अवधि के लिए ऋण ले लेती हैं और उस पर निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज अदा करती रहती हैं। मतलब जिससे ऋण ली हैं उसको कुछ परसेंटेज का क्या देंगी, ब्याज भी देती रहेंगी। जिस निश्चित अवधि के लिए ऋण पत्र जारी होते हैं वह ऋण पत्रों पर लिखी हुई होती है। ऋण की समयावधि समाप्त होने पर कंपनियां ऋण पत्र धारकों को उनसे लिया गया ऋण वापस कर देती हैं। बात समझ में आई ना? जैसे कि कोई भी कंपनी है, आपसे 10,000 रुपये का ऋण लिया है 6 महीना के लिए, तो 6 महीने बाद आपका वो वापस कर देगी। शेयरों की ही भांति ऋण पत्रों का भी निश्चित या नियत मूल्य, उनके सम मूल्य या अंकित मूल्य को ही कहा जाता है। मतलब बात समझ गए हो कि नहीं? तो मित्रों चलते हैं फिर इसके आगे, हम बात करेंगे थोड़ा सा अगली क्लास में। मित्रों ऋण पत्र के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे पूरा पाना चाहते हैं, तो आपको 600 रुपये जमा करना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर लें या फ़ोन कॉल कर सकते हैं 12 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर कुछ नहीं जमा करना चाहते हैं, यूट्यूब पर फ्री देखते रहें, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, बस थोड़ा देर में 6:30 बजे से आपकी अगली क्लास।